न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम बात करते हैं इस दुनिया के अलग अलग रीजन्स में हो रही जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशंस के बारे में, प्रॉक्सी वॉर्स के बारे में, और कैसे आने वाले वक्त में डेवलपिंग नेशंस का रोल इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। कैसे इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज प्री एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसेस जैसे कि US को रिप्लेस करने वाले हैं। और इसी सीरीज़ के नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे चाइना के मिडल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस की। जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना आज पूरी दुनिया में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और मिडल ईस्ट इसका एक प्राइम एग्जांपल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिसके साथ चाइना के स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, कैसे चाइना ने मिडल ईस्टर्न स्टेबिलिटी पर ध्यान दिए बिना आज इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर ली उस रीजन में, और एक ऐसा वक्त जब US कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा मिडल ईस्टर्न रीजन में, क्या चाइना इस सब का फायदा उठा सकता है और ये इंडिया को कितना अफेक्ट करेगा, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हियर इज द लिंक, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। ये है आमिन हसन नसीर, CEO ऑफ सऊदी अरामको, और इनका कहना है कि चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी इनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी आने वाले सिर्फ 5 या 6 सालों में नहीं बल्कि 50 सालों तक। और ये कोई वन साइडेड फेवर नहीं है। 2021 के शुरुआती 2 महीनों में सऊदी अरेबिया चाइना का टॉप ऑयल सपोर्टर रहा विद अ सप्लाई ऑफ 1.86 मिलियन बैरल्स पर डे, जबकि 2020 में ये पोजीशन रशिया के पास थी। और ये सिर्फ सऊदी की बात नहीं है, रिसेंटली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ईरान पहुंचे, एंड अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स चाइना ईरान के साथ 25 ईयर्स कॉपरेशन प्रोग्राम साइन करने जा रहा है, जिसके अंदर चाइना इज गोइंग टू इन्वेस्ट $400 बिलियन इन ईरान इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। पर चाइना ये सब क्यों कर रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या पॉसिबल इंटरेस्ट हो सकते हैं चाइना के इन मिडिल ईस्ट रीजन? पर उसके पहले शायद ये जानना जरूरी है कि चाइना के मिडिल ईस्टर्न इन्वॉल्वमेंट की शुरुआत हुई कहां से। तो इस सब की शुरुआत होती है World War II के बाद। सारी दुनिया में डीकोलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद को खत्म करने का माहौल था, और कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, जहां 50s और 60s के टाइम अल्जीरिया, इजिप्ट, पैलेस्तीन, इरिट्रिया और गल्फ कंट्रीज़ में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, जिसे चाइना ने सपोर्ट किया था मिलिट्री और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा के। इसके अलावा 1960s में ही चाइना ने इंसर्जेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया था, एंड दैट वॉज द ओनली टाइम जब कुछ रीजनल गवर्नमेंट्स के साथ चाइनीज रिलेशंस में डिप देखने को मिला। बट 70s के बाद ज़्यादातर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में चाइना ने इंटरफेयर नहीं किया। बात नेशनलिस्ट मूवमेंट और इंसर्जेंसी से आगे बढ़ती है, और 70s और 80s का टाइम आता है, और ये वक्त होता है ईरान इराक वॉर का। सोवियत और चाइना जैसी कंट्रीज इराक को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराती हैं, और कहीं ना कहीं इराक को प्रायोरिटी दी जाती है ईरान के ऊपर। पर चाइना इन दोनों ही देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर, टैंक्स और आर्टिलरी बेचता है। कुछ और आगे चलें तो 90s का वक्त आता है, और 1993 में चाइना पहली बार इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एंड दिस वॉज बिकॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ देयर इमेंसली ग्रोइंग पॉपुलेशन। और तभी ये चाइना मिडिल ईस्ट रिलेशंस वॉर्स में मिलिट्री और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराने से बढ़कर 90s और 2000 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट में 1991 और 2003 में चाइना ने इराक वॉर के दौरान वेस्ट के इंटरफेरेंस को क्रिटिसाइज किया था, और साथ ही साथ लीबिया में नेटो इंटरवेंशन को भी, और उस अपोजिशन को रीजनल गवर्नमेंट्स का सपोर्ट भी मिला। पर इसके अलावा चाइना कभी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर या स्टेबिलिटी को लेकर। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला, ऐसा करने से चाइना अपने रिलेशंस बैलेंस रख पाता है विद द कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस, और दूसरा, चाइना को शायद कंसर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज US ऑलरेडी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को लेकर हाइपर सेंसिटिव है। आज के वक्त इन रिलेशंस में और ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलती है। चाइना 2016 में मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर बना, और 2013 में जब से चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया है तब से अराउंड $123 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं मिडिल ईस्टर्न रीजन में इस इनिशिएटिव के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। इसके साथ चाइना ने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की सभी कंट्रीज के साथ 5G एग्रीमेंट्स भी साइन कर लिया है, और ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आई वॉन्ट टू मैंशन अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द बैलेंसिंग बिहेवियर ऑफ चाइना। अगर US इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है तो पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली इट्स नॉट अ गुड साइन, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। पर अगर आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे, सऊदी और ईरान बिटर राइवल्स हैं। दोनों ही देशों में रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पीक पर हैं, पर बावजूद इसके 2016 में चाइना ने दोनों देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की।
चाइना यूएस को इनडायरेक्टली ही सही पर इस दुनिया के हर रीजन में डिप्लोमेटिकली काउंटर कर रहा है, इवन इन द मिडल ईस्टर्न रीजन। पर ये सिर्फ अकेला इंटरेस्ट नहीं है चाइना का मिडल ईस्ट में। चाइना इज अ ह्यूज कंट्री एंड इट्स फैसिनेटेड बाय एनर्जी। चाइना इंश्योर कर रहा है कि उनको ऑयल सपोर्ट का एक रिलायबल और फ्री फ्लोइंग पार्टनर मिले, और इसके लिए चाइना मिडल ईस्ट के साथ अपने रिलेशंस में हर तरह से इन्वेस्ट कर रहा है और अपने ऑयल डिपेंडेंसी को किसी भी और रीजन के अलावा मिडल ईस्ट पे बढ़ा रहा है। और इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि चाइना के टॉप 10 ऑयल सोर्सेज में से 6 मिडल ईस्ट में है। एक और हिडन इंटरेस्ट है चाइना का मिडल ईस्ट में कि वो अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ह्यूज अमाउंट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है, और अगर चाइना की जैसी नीतियां उइगुर मुस्लिम्स को लेकर रही हैं, फ्यूचर में चांसेस थे कि ये सारी इस्लामिक कंट्रीज चाइना को पब्लिकली क्रिटिसाइज करती। बट विद सच हेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स ह्यूमन राइट वायलेशंस को नॉर्मलाइज होने में टाइम नहीं लगता। एंड इवन यू कैन सी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो सेकेंड्स का टाइम नहीं लगाते इंडियन मुस्लिम्स को लेके अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में, पर कितनी बार ऐसा होता है कि पाकिस्तान या फिर कोई मिडल ईस्टर्न कंट्री चाइना में उइगुर्स की खराब कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। चाइना ने मिडल ईस्ट में कभी मिलिट्री एक्सपेंशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही उनको जरूरत पड़ी, एंड देयर वर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस। फर्स्ट रीजन इज चाइना का मेन फोकस एनर्जी सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिकल गेन्स पे था, और उन्होंने ये काम किसी भी और कंट्री से बेहतर किया है। द सेकेंड रीजन इज अगर चाइना मिडल ईस्टर्न स्टेबिलिटी पर ध्यान देता तो उसे साइड्स लेनी पड़ती, सैंक्शंस लगाने पड़ते, और उस स्टेट में चाइना आज के जैसे दो राइवल नेशंस के साथ ट्रेड का इतना अच्छा फ्री फ्लो नहीं कर पाता। एंड द थर्ड रीजन इज यूएस ऑलरेडी मिडल ईस्टर्न रीजन में स्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, आइदर इट्स सैंक्शंस और एयर स्ट्राइक्स। एंड द प्राइम एग्जाम्पल इज असैसिनेशन ऑफ कासिम सोलेमानी इन ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन और रिसेंटली सऊदी अरेबिया पर लगाए गए यूएस सैंक्शंस। यूएस ने सालों से मिडिल ईस्ट में राइवल्स और एलाइज बांट रखे हैं, हालांकि विद चेंजिंग प्रेसिडेंट इनकी डायमेंशंस चेंज होती रहती हैं, पर यूएस के पास थ्योरी तो है सही एलाइज और राइवल्स की, जबकि चाइना इज लाइक फ्रेंड टू ऑल एंड एनमी टू नन, और उन्होंने इस बात को साबित किया है इसराइल, ईरान और सऊदी के साथ स्टेबल रिलेशंस मेंटेन करके। चाइना ने पीस थ्रू डेवलपमेंट को अप्रोच किया है, इट्स लाइक आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते रहें एंड पीस विल फॉलो यू, जबकि यूएस बिलीव करता है पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और एथिकली करेक्ट होने में। उनका मानना है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन एक डेमोक्रेसी का होना, ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स का होना जरूरी है। चाइना जब भी इन्वेस्ट करता है वो कभी ये नहीं सोचता कि यहाँ पे वुमेन राइट्स है या नहीं है, तानाशाही है या स्टेबल डेमोक्रेसी है, जबकि यूएस पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करता है एज कम्पेयर टू चाइनाज अनकंडीशनल इन्वेस्टमेंट। भले ही चाइना का मेन फोकस इकोनॉमिकल और एनर्जी डेवलपमेंट पे रहा है, पर स्लोली एंड स्टेडी ही सही उनको अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी इन द रीजन अपनी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए, और उन्होंने ऐसा करना चालू कर भी दिया है। चाइना होमरुज़ और बाबिल मंदेब जैसी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, और इसके लिए उन्होंने 2017 में डिजिबोटी में अपना पहला ओवरसीज नेवल बेस सेटअप किया, और फ्यूचर में पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के मिलिट्राइजेशन के बारे में भी सोच रहे हैं। इसके अलावा चाइना ने कई सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जिसमें मैरीटाइम कोऑपरेशन से रिलेटेड एग्रीमेंट्स भी शामिल है, और इन्हीं एग्रीमेंट्स के चलते चाइना अरेबियन सी और गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी और मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशंस को कोऑपरेट करता है। चाइना ने यूएई के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की है टू डेवलप एडवांस वेपन्स। चाइना ने सऊदी अरेबिया के साथ कोलैबोरेट किया है यूरेनियम येलो केक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सऊदी सिटी अल उला से। येलो केक बेसिकली एक सेमी प्रोसेस फॉर्म है यूरेनियम की, जो पावर रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन्स का एक की इंग्रेडिएंट है। ईरान में भी चाइना आने वाले 20 से 25 सालों में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और ये सारे कोलैबोरेशंस, डील और पार्टनरशिप और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। स्पेशली जो बाइडेन ने आते ही जो सैंक्शंस लगाए हैं सऊदी पे, उसके बाद और भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज समझ गई हैं कि उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यूएस के साथ स्टेबल नहीं है। चाइना को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बढ़ानी ही पड़ेगी, एंड इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन बिटवीन चाइना एंड यूएस, और साथ में रशिया भी इस चीज से ऑफेंड हो सकता है, क्योंकि रशिया की भी हिस्टोरिकल प्रेजेंस रही है मिडिल ईस्ट में। और ना सिर्फ हिस्टोरिकल प्रेजेंस, रशिया मिडिल ईस्ट को अपनी मेजर डिफेंस मार्केट मानता है, और चाइना के रवैये को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं है कि आने वाले टाइम में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अपनी डिफेंस परचेज प्रायोरिटीज चाइना की तरफ मोड़ सकती हैं। इंडिया के लिए भी एक मेजर सेटबैक साबित होगा, हम ऑलरेडी पाकिस्तान से वेस्ट में, चाइना से नॉर्थ और इंडो पैसिफिक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, और हम अभी के लिए बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना मिडिल ईस्ट में इंडिया के खिलाफ किसी भी तौर पे कोई भी फ्रंट खोले, आइदर इट्स जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। यूएस जिस पॉलिसी पे अभी काम कर रहा है इट्स नॉट सस्टेनेबल। मे बी उनको लग रहा है चाइना इज डूइंग ओनली ट्रेड,
बट हु डू नॉट नो अबाउट दैट डेब्ट ट्रैप गेम्स। और इसका असर दिखने भी लगा है। सऊदी अरेबिया ने इंडिया की क्रूड ऑयल के प्राइस को कट करने की रिक्वेस्ट को सिरे से नकार दिया। लास्ट ईयर इसराइल ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हाइफा पोर्ट को इंस्पेक्ट करने की रिक्वेस्ट को नहीं माना, एंड इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। जल्दी यूएस इंडिया जैसी पावर्स को इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पार्टी के आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से बाहर निकल के कंट्रीज को चाइना की तरफ ढकेलना बंद करना होगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।